एसीबी ने दौसा में बीएड डायरेक्टर को रिश्वत लेते आरोप चूंकि लगा कि यह रिश्वत लेता है तो इसी के मामले में इसको ट्रैप किया है और गिरफ्तार कर लिया। डायरेक्टर महिला से ट्रेनिंग फॉर्मेशन के नाम पर 28,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था। महिला ने ब्याज पर कर्ज लेकर 24,000 रुपए दे भी दिए थे और इसके बाद भी डायरेक्टर पैसों की लगातार डिमांड कर रहा था, जिसके बाद महिला ने एसीबी से मामले की शिकायत की थी। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एसीबी की टीम ने दौसा के रामगढ़ पचवारा से इस डायरेक्टर को गिरफ्तार किया है। आशुतोष शर्मा जुड़ गए फोन लाइन पर हमारे सहयोगी। आशुतोष, डायरेक्टर साहब को गिरफ्तार तो कर लिया एसीबी ने, आगे की क्या कार्रवाई और क्या कुछ ये पूरा मामला था, किस तरीके से ट्रैप किया गया? देखिए, एक बहुत सकारात्मक मैसेज जाता है राजस्थान एसीबी मुख्यालय से कि करप्शन का मामला छोटा हो या बड़ा हो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी और हर शिकायत पे कार्रवाई की जाएगी। ये अपने आप में बेहद एक इमोशनल ये पूरा मैटर है। जो परवादी है उसके जो आर्थिक हालात थे वो बेहद बहुत खराब थे। उसका जो पति था वो पताशी का ठेला लगाता था और उसी पैसों को इकट्ठा करके उसको वो बीएड करा रहा था। घर में एक डेथ हो जाने के चलते वो जो बीएड के लेसन होते हैं उनको अटेंड नहीं कर पाई थी और इसी की एवज में जो उसका डायरेक्टर था वो 35,000 रुपये की मांग कर रहा था। तीन रुपये सैकड़े की ब्याज पे उसने 24,000 रुपए की व्यवस्था की थी, इस घूसखोर तक पहुंचाए थे। लेकिन जो आरोपी है सुनील कुमार, उसका पेट यही नहीं भरा, बार बार उसको वो परेशान करता रहा और परेशान होकर जो परवादी सीता सैनी नाम की जो ये महिला है ये एसीबी मुख्यालय तक पहुंची। एसीबी मुख्यालय के जो डीजी है उनसे मुलाकात की और उनके कहने पे ये पूरा घटनाक्रम है वो एसीबी मुख्यालय की तरफ से देखा गया और आज कार्रवाई की गई है। गिरफ्तार किया गया है, इसको कोर्ट में पेश करके संभवतः रिमांड पे भी लिया जाएगा क्योंकि हो सकता है इसमें बहुत सारे पुराने भी खुलासे हैं क्योंकि एक रैकेट सा बन गया है कि कैसे इस तरह के जो बीएड कॉलेज के डायरेक्टर होते हैं वो स्टूडेंट को घर बिठाए रखते हैं, उनसे पैसा ले लेते हैं, लेकिन जब इतना इमोशनल मामला आता है तो उसमें घूस मांगी जाती है बड़े स्तर पर। जाहिर तौर पर लेकिन एक सिंडिकेट भी चलाते हैं ऐसे लोग, जैसा आपने खुद ही कहा कि रैकेट एक चलता है, ऐसे रैकेट का पर्दाफाश होना बड़ा जरूरी है। और आप देखिए कि एक कॉलेज नहीं, तमाम इस तरीके के निजी कॉलेज हैं या जो संबद्ध कॉलेज हैं वो इस तरीके से बच्चों के साथ खिलवाड़ करते हैं और उनके साथ पैसे की डिमांड रखते हैं और जब मामला खुलता है तो सारी तस्वीर साफ हो जाती है। तो ऐसे में क्या लगता है कि पूछताछ में और भी तमाम चेहरे बेनकाब हो सकते हैं? देखिए, आम आवाम तक राजस्थान की ये बात पहुंचना जरूरी है कि एसीबी ने एक बात बिल्कुल अपनी मंशा साफ कर दी है कि भ्रष्टाचार का मामला चाहे सरकारी क्षेत्र का हो या निजी क्षेत्र का हो, हर मामले पे वो छोटी राशि का हो या बड़ी राशि का हो उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस पर्टिकुलर केस के बारे में बात चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए आशुतोष।